यो व्हाट अप गेमर, इट्स योर बॉय वेलमो प्लेज। मैं आ चुका हूँ एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की कुछ धमाकेदार मजेदार, जिसके अंदर बहुत धमाकेदार फीचर्स वाली स्वॉर्ड्स मिल जाएगी। ये स्वॉर्ड्स के अंदर इतनी पावर है कि ये एक रेवेजर क्या, एक एंडर ड्रैगन को भी एक शॉट के अंदर भी मार सकती है। इट्स अ रियली 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 कूल अडोन यार। मेरे को तो ये अडोन बहुत अच्छा लगा है। मैंने आज तक बहुत सारी स्वॉर्ड्स अडोन दे चुका हूँ, लेकिन ये उन सारी स्वॉर्ड्स में से सबसे जबरदस्त अडोन है। आई रियली लाइक दिस अडोन। इसके लिए मैं ये अडोन की पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो यार। तो इस अडोन के अंदर आपको बहुत अगली टाइप की स्वॉर्ड्स मिल जाने वाली है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड करे गए हैं यार। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये फायर स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ो तो आपको यहाँ आजू बाजू रोशनी दिखाई देने लगेगी, लेकिन ये तो एक नॉर्मल फीचर थे। अभी मैं आपको इसका एक धमाकेदार क्रेजी वाला फीचर बताता हूँ। आप बस यहाँ पे बस होल्ड करके रखो, एंड होल्ड करने के बाद जब आप यहाँ पे करोगे यहाँ क्लिक, तो आपको यहाँ से मीटियोर गिरना चालू हो गए। ये देख सकते हैं, ये फायर मैंने पहले से ही क्लिक करके रखा था, तो यहाँ पे पहले से मीटियोर गिरना चालू हो गया था। और आजू बाजू के सारे मॉब्स को जला के राख कर दे के, आजू बाजू की सारी जगह को जला के राख कर दे के, यार ये वाली स्वॉट मेरी पर्सनल फेवरेट स्वॉट्स में से एक आती है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस स्वॉट से किसी भी मॉब को मारोगे तो वो सामने ही खड़े खड़े जलना चालू हो जाएगा। फिर आती है विदर स्वॉट। इसको आप पकड़ोगे तो आपको एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे चलोगे तो आपके आजू बाजू के सराउंडिंग डर्ट या सराउंडिंग जो भी चीज है वो सारी की सारी कॉस्ट डर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और आजू बाजू विदर रोज स्पॉन करना चालू हो जाएगी। और इस स्वॉर्ड का डैमेज भी बहुत खतरनाक है यार, इट्स अ रियली कूल स्वॉर्ड। फिर आती है ब्लेज स्वॉर्ड, जिसकी एनिमेशन, जब भी आप ये स्वॉर्ड को पकड़ोगे तो आपको एक स्टार्टिंग की धमाकेदार एनिमेशन दिखेगी, और जब भी आप किसी दूसरी स्वॉर्ड में स्विच होगे तो इसकी एंडिंग एनिमेशन भी जो धमाकेदार दिखने वाली है। आई रियली लाइक दिस थिंग। और ये विदर स्वॉर्ड्स को भी आप होल्ड करके रखोगे तो आप यहाँ पे विदर के वो अल्ट भी छोड़ सकते हो जो डैमेज बहुत करते हैं। और ब्लेज स्वॉर्ड्स को आप यूं होल्ड करके रखोगे तो आपको लेविटेशन और बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट्स मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप ब्लेज की तरह हवा में उड़ सकते हो। और आप ये ब्लेज स्वॉर्ड से मारोगे किसी को भी तो वो फायर बॉल छोड़ने लगेगा। फिर आती है TNT स्वॉर्ड यार, ये भी मेरी एक पर्सनल फेवरेट स्वॉर्ड में से आती है। दिस स्वॉर्ड इज रियली एक्सप्लोसिव स्वॉर्ड। अगर आप इसको भी होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे ये TNT फोड़ देगा, और ये TNT मामूली TNT नहीं है, इट्स रियली एक्सप्लोसिव TNT। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी मॉब को भी मारोगे इस स्वॉर्ड्स के साथ तो वो मॉब हटने लग जाएगा अपने आप ही और बहुत जल्दी मर जाएगा। अब आती है क्रीपर स्वॉर्ड, दिस इज ऑल्सो अ रियली एक्सप्लोसिव स्वॉर्ड। अगर आप इसको भी होल्ड करके रखोगे तो आप खुद क्रीपर की नीमत फटना चालू हो जाओगे। और अगर आप इससे किसी मॉब को मारोगे, ये छोटे छोटे क्रीपर्स वो मॉब के ऊपर छोड़ देगा और वो क्रीपर मॉब को अपना दुश्मन समझ के फट जाएंगे। फिर आती है शल्कर स्वॉर्ड। अगर ये स्वॉर्ड पकड़ के आप क्राउच करोगे तो आप खुद शल्कर में कन्वर्ट हो जाओगे, और कहीं भी बस ये जंप का बटन क्लिक करके टेलीपोर्ट हो जाओगे आप। और इस स्वॉर्ड का स्पेशल एबिलिटी है, अगर आप इसको बस यूं होल्ड करोगे तो आपके सराउंडिंग एरियाज में जितने भी मॉब थे सबके सब उड़ जाएंगे। Bye, have a great time. तो दूसरी स्वॉर्ड का नाम है नेदर स्टार स्वॉर्ड। इसकी कोई होल्डिंग पावर नहीं, मतलब इसको आप कभी भी यूं होल्ड करके रखोगे तो इससे कोई भी एक स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है कि अगर आप किसी भी मॉब को इस स्वॉर्ड से मारोगे तो आसमान से तारे गिरेगे और वो तारे वो मॉब को मारेंगे, एंड इट्स रियली लुकिंग ग्रेट। अब आती है मेरी नॉर्मल फेवरेट, लेकिन इसकी अटैक डैमेज, इसकी एनिमेशन वगैरह बहुत अच्छी है। इसकी एक होल्डिंग पावर भी है, मतलब आप इसको होल्ड करके रखोगे तो इसके अंदर बहुत ही धमाकेदार मजेदार ऑसम कूल वाली एनिमेशन वाली लाइटनिंग गिरेगी, लेकिन वो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि अगर जिसका फोन लोवेस्ट है, मतलब जिसके फोन के अंदर बराबर माइनक्राफ्ट थोड़ी बहुत लैग करती है वगैरह वगैरह सब करती है, तो उसके लिए ये स्वॉर्ड नहीं है। मतलब इसकी होल्डिंग पावर मत यूज करना, मैं तो सजेस्ट करता हूँ। मैं तो यूज नहीं करने वाला, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मेरी गेम क्रैश होती रहती है बची थी, लेकिन इसकी एनिमेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैंने एक बार ट्राई तो करा था, लेकिन असल में मुझे कुछ दिखा तो नहीं था, बस एक स्क्रीन अटक गई थी मेरी। लेकिन इट्स अ गुड स्वॉर्ड यार, आई रियली लाइक दिस स्वॉर्ड, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी है, और अगर आप किसी भी मॉब को इससे मारोगे तो उसके ऊपर बिजली गिरेगी।
अब आती है क्लॉक स्वॉर्ड। इसके भी अंदर एक स्पेशल एबिलिटी, अगर आप इसको यूं होल्ड करके रखोगे तो आपके अंदर एक सुपर नेचुरल फ्लैश वाली पावर आ जाएगी। आप इस चीज की वजह से बहुत ही आसानी से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। आई रियली लाइक दिस स्वॉर्ड। इसके अंदर इतनी खास कुछ अच्छी एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर आप बहुत तेजी से भाग सकते हो, और अगर आप किसी भी मॉब को मारोगे तो उसको इतना खास कुछ डैमेज या कुछ इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसकी होल्डिंग पावर अच्छी है। फिर आती है आई स्वॉर्ड। ये थोड़ी बहुत नॉर्मल टाइप की है, लेकिन ऐसी स्वॉर्ड तो आपने बहुत देखी होगी। इसके बारे में मैं ज्यादा शोकेस नहीं दूंगा। इसकी होल्डिंग पावर ये कि अगर आप किसी भी मॉब के सामने इसको होल्ड करके रखोगे तो वो मॉब जम जाएगा, और अगर आप ये स्वॉर्ड से आप किसी भी मॉब को मारोगे तो ये स्नो गोलम की तरह आप स्नो फेंक सकते हो इस स्वॉर्ड की वजह से, जस्ट लाइक अ ब्लेस स्वॉर्ड। जैसे कि ब्लेस स्वॉर्ड आराम से फायर चार्ज फेंकता है अगर हम किसी भी मॉब को मारेंगे, तो सही ये आइस वॉट स्नोबॉल फेंकता है अगर हम किसी भी मॉब को मारेंगे तब। इट्स अ रियली कूल स्वॉर्ड, बट ये नॉर्मल टाइप की स्वॉर्ड है जो हर अडोन की स्वॉर्ड के अंदर देखने के लिए मिली जाता है। तो ये है एंडर स्वॉर्ड। ये भी एक बहुत ही मस्त स्वॉर्ड है, अगर आप किसी जगह पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको ये स्वॉर्ड बहुत ही काम की आएगी। इस स्वॉर्ड की होल्डिंग पावर ये है कि आप किसी भी जगह आराम से टेलीपोर्ट हो सकते हो जस्ट लाइक दिस। इट्स अ रियली गुड स्वॉर्ड टेलीपोर्टेशन के लिए। ये यार ये भी स्वॉर्ड मेरे को बहुत अच्छी लगी है। ये अडोन की इसलिए तो मैं एकदम फुल डिटेल की वीडियो बना रहा हूँ। आई रियली लाइक दिस अडोन यार। फिर आती है मेरी पर्सनल फेवरेट गोस्ट स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड के अंदर आप एक भूत बन जाओगे। इसके अंदर कुछ इतनी खास एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन ये भी एक टाइप की एंडर स्वॉर्ड जैसी है, लेकिन ये थोड़ा बहुत अपग्रेडेड है। ये वाली स्वॉर्ड से आप किसी भी मॉब को मार तो नहीं सकते, लेकिन ये वाली स्वॉर्ड से आप कहीं भी आराम से एंडर स्वॉर्ड की मत टेलीपोर्ट हो सकते हो, और आपकी स्किन भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाने वाली है, और अगर आप क्राउच करोगे तो आप उड़ने लगोगे अपने आप। इस स्वॉर्ड के अंदर आपको थोड़े बहुत एंडर ड्रैगन एंडर स्वॉर्ड के फीचर्स मिल जाएंगे और थोड़े बहुत गोस्ट के फीचर्स मिल जाएंगे। आई रियली लाइक दिस स्वॉर्ड पर्सनली, क्योंकि यार ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। और अगर आप फर्स्ट पर्सन के व्यू से देखो तो इसकी डिस्प्ले की स्क्रीन बहुत ही मजेदार हो जाएगी, मतलब एक रियल गोस्ट टाइप फीलिंग आएगी। फिर आती है स्लाइम स्वॉर्ड। ये एक नॉर्मल स्लाइमी टाइप की स्वॉर्ड है जिसके अंदर आप स्लाइम के ऊपर बैठ के उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हो, लाइक जंपिंग जंपिंग जपाक जंपिंग जंपिंग जपाक, और इसके अंदर आप बहुत ऊंची ऊंची उड़ान ले सकते हो, और इसके अंदर आपके ये स्लाइम को पंख भी मिल जाएंगे जो आराम से आपको स्लो फॉलिंग वाला इफेक्ट भी देंगे, जिसकी वजह से आप आराम से उतर सकते हो, कोई जल्दी नहीं अपने को। फिर आती है बी स्ट्रिंगर। ये थोड़ी बहुत एक किसी को मजा चिखाने के लिए, ये इतनी पावरफुल स्वॉर्ड भी नहीं है, इतनी मजेदार भी नहीं है, लेकिन अगर बात करूँ तो ये स्वॉर्ड भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर कोई भी होल्डिंग पावर नहीं है, लेकिन अगर आप इससे किसी भी मॉब को मारोगे, लगातार मारने के बाद उस मॉब के ऊपर कुछ बीस आएगी और उस मॉब को इतनी जल्दी मार देगी कि तुमने सोचा तक नहीं होगा कि यहाँ पे रेवेजर को बीस ने इतनी जल्दी मार दिया। फिर आती है सी स्वॉर्ड, जो एक मछली टाइप की स्वॉर्ड है जो आपको जलपरी बना देती है, लेकिन मैं तो एक जलपरा बन गया। और इसकी एनिमेशन और ये सारी चीजा बहुत ही जबरदस्त है यार। इस स्वॉर्ड के अंदर इतना खास तो फीचर नहीं है, लेकिन इस स्वॉर्ड के अंदर एक ज्यादा अच्छा फीचर है, अगर ये स्वॉर्ड अपने हाथ में ली और जल पर आप बने या जल परी बने, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, आप आराम से बहुत तेजी से तैर सकते हो। इट्स अ रियली गुड थिंग। फिर आती है पंच स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड पंच की तरह काम करती है, लेकिन ये स्वॉर्ड के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप जहाँ पे भी यू 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 बस क्लिक करोगे ये पानी सोखा करेगी। दिस इज अ रियली गुड स्वॉर्ड। फिर आती है स्पाइडर स्वॉर्ड। ये स्पाइडर स्वॉर्ड एक टाइप की मजेदार स्वॉर्ड है। अब इसके लिए क्या वर्ड आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये आपको एक स्पाइडरमैन टाइप का बना सकती है। बस स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम नहीं देती, बस स्पाइडर के ऊपर राइड कराती है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस वाली स्वॉर्ड से किसी भी मॉब को मारोगे तो ये स्पाइडर वेब छोड़ेगा। स्पाइडर वेब छोड़ने के साथ साथ अगर आप किसी भी वॉल के ऊपर क्लाइंब करना चाहते हो तो ये स्पाइडर के साथ आराम से आप किसी भी वॉल को क्लाइंब कर सकते हो। मोस्टली ये स्पाइडर सबसे ज्यादा काम आने वाली है पहाड़ चढ़ने में। फिर आती है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंग स्वॉर्ड, जो भी नाम है इसका। ये स्वॉर्ड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। देख सकते हो अगर मेरे ये विलेज के यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको ये वॉल, इसके अंदर एक खड्डा करना है तो इसकी स्पेशल होल्डिंग एबिलिटी को मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे खड्डा हो जाएगा।
फिर आती है क्वार्ट्ज डायमंड स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड भी बहुत ही मजेदार है क्योंकि इसका अटैक डैमेज, एक बार देखो इसका अटैक डैमेज देखो यार, 600 अटैक डैमेज। मतलब ये स्वॉर्ड से आप एंडर ड्रैगन को भी चुटकियों से मार सकते हो। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि एंडर ड्रैगन के कितने हार्ट्स होते हैं या कितना अटैक डैमेज झेल सकता है वो, मेरे को इतना तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से एक या तो दो शॉट में ये स्वॉर्ड एंडर ड्रैगन को इस दुनिया से गायब कर देगी। इट्स अ रियली कूल स्वॉर्ड यार। ये स्वॉर्ड की कोई होल्ड एबिलिटी नहीं है, मतलब स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका अटैक डैमेज ही सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है। सो आज की ये वीडियो में बस इतना ही होने वाला है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पकौड़े खाओ।